यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। आज यानी 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। वहीं इस साल 65 सालों के बाद विधानसभा सत्र नए नियम के साथ शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इस बार सत्र के दौरान मोबाइल फोन विधानसभा में ले जाने को लेकर बैन कर दिया गया था। आपको बता दें कि पिछले सत्र के दौरान ही इसकी अनुमति दे दी गई थी, जिसके बाद इस सत्र से लागू इसको किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि न सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि सत्र के दौरान विधानसभा में झंडा और बैनर ले जाने पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को बोलने की प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सत्र के शुरू होने के बाद पहले दिन जिन सदस्यों का निधन हो चुका है उनके लिए सदन में शोक संदेश जारी किया जाएगा। वहीं सपा मोबाइल फोन और बैनर पर बैन लगाने को लेकर विरोध जता रही है। सत्र शुरू होने से पहले सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कहा है कि हम सदन में मोबाइल फोन और बैनर पर बैन लगाने पर विरोध जताते हैं। हम इस मुद्दे को यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के सामने उठाने वाले हैं। वहीं सत्र शुरू होने से पहले एक हंगामा और शुरू हो चुका है, वो है कार्यालय को लेकर। दरअसल बसपा और कांग्रेस के कार्यालय कक्ष खत्म कर उन्हें केबिन अलॉट किया गया है। वहीं सपा के विधानमंडल दफ्तर में कांग्रेस के विधानमंडल के दफ्तर को मिला दिया गया है। कहा जा रहा है कि सपा के सदस्यों की संख्या के हिसाब से उन्हें बड़ा कार्यालय आवंटित किया गया है।